दोस्तों हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई अभी आया हूँ मैं अपने घर से काफ़ी दूर, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट काम के लिए। तो चलो पहले काम करते हैं, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। भाई यहाँ पे ना ट्राम भी चलती है, वो देखो बेल आवाज़ आ रही है ना, ये रही ट्राम। ये आवाज़ें तो गाड़ियों की हैं। हाँ वो गई ट्राम। मैं अभी गाड़ी से निकल गया हूँ बाहर पेट्रोल पंप पे। तो यहाँ पे भी यार ऑलमोस्ट रेट सेम ही है। अभी फर्स्ट टाइम गाड़ी का तेल फुल होगा मेरा, फर्स्ट टाइम डलवा रहा हूँ मैं, क्योंकि पहले जब डलवाया था तेल तो ऑलमोस्ट उसमें हाफ टैंक था, और वो दिक्कत आ गई थी गाड़ी में, आपको जैसे पता ही है। मैंने वापस कर दी थी, उन्होंने दूसरी ये वाली गाड़ी दे दी थी, इसमें भी ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा ही टैंक था। तो ठीक है, अभी इसमें डलवाते हैं गाड़ी में तेल। और भाई तेल के रेट इंडिया और इधर के सेम है, सेम सेम है, मुश्किल से 4-5 रुपये का फ़र्क है और कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट सेम सेम है। तो चलो डलवाते हैं। यहाँ पे अलाउड नहीं है ना? नहीं, हाँ अलाउड नहीं है यहाँ पे शूट करना, अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। आज हम सुबह सुबह उठ गए थे 6 बजे, घर से निकल गए थे 7:30-8 बजे करीब निकल गए थे, और अब टाइम हुआ है 9:45। अभी चलना है आगे, दिखाता रहूँगा आपको पूरे दिन में, बने रहना वीडियो मेरे साथ। कितने लीटर डला तेल हमारा? 57 लीटर तेल डला है, 190 दिरहम का। अब हिसाब लगा लो 24 से कितने हो गए हैं, सेम रेट ही है भाई, कोई ज़्यादा कम नहीं है। ऐसे ही तेल के कुएं कुछ नहीं है यहाँ पे, सेम रेट है। लेफ्ट साइड ना गाड़ी चलाना इजी है, कोई वो नहीं है, लेकिन यार यहाँ के रूल्स ना थोड़े से ऐसे टफ हैं, वो टर्न लेने में बड़ा मुश्किल हो जाता है, कन्फ्यूज हो जाता है बंदा, इस चक्कर में सीधा ही निकाल देता है बंदा, फिर वो गलत कट ना 10-15 मिनट का गेड़ा पा देता है। यहाँ पे अभी रुके हैं, व्यू देखो यहाँ का कितना प्यारा है, व्यू अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे। वाओ, वो बुर्ज खलीफा है, कितना बढ़िया लग रहा है। लेकिन भाई गर्मी इतनी ज्यादा है ना, इधर भी खड़ने का मन नहीं कर रहा, इतनी ज्यादा गर्मी है। अंग्रेज इतने पागल है ना भाई, इतनी गर्मी में भी ना बीच पे पड़े हुए हैं। भाई दुबई बहुत ही सुंदर है, अच्छा है देखने में, लेकिन गर्मी के कारण ना आपके साथ गलती होगी दिन में निकल के, वरना 5 बजे के बाद ही निकलो और चश्मा लेके निकलो हमेशा अपना। अब जब इतनी दूर आ गया हूँ ना भाई मैं, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको आगे जाके दिखा दूँ, क्योंकि यहाँ पे छाया छाया है, तो मैं चला जाता हूँ यहाँ पे आके, बढ़िया लगेगा भाई। यहाँ पे फोटो सेशन वगैरह होके अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, अब किसी और जगह पे चलते हैं। धूप बहुत है यार यहाँ पे, सच में धूप ना चुभने वाली है, पसीना भी सोख देती है, इतनी खतरनाक धूप है, मतलब शरीर तोड़ देती है। नोट आ गया पूरा, ये वाला डाला नोट। Do you want a receipt for this transaction? You have 15 minutes to exit the parking. सर ये बहुत बड़ा पंगा है। इतनी गर्मी है, 3-4 बोतलें खरीदली कर दी हैं 1.5-1.5 लीटर की, इसलिए अब हम आ गए हैं एक मॉल में, जो भी नज़दीक था वहाँ पे आ गए हैं। और इसकी पार्किंग थी 6th फ्लोर पे, गाड़ी रुकी नहीं हुई, चढ़ती गई, तो बस अब यहाँ पे आए हैं भाई। ये मॉल कुछ ऐसा है, हम मूवी देखने के लिए तो बिल्कुल नहीं आए, लेकिन देख के दिल भी कर रहा है कि हम देख लें मूवी, और टाइम भी नहीं है ज़्यादा, और नींद भी बहुत आ रही है, क्योंकि हम सुबह 6 बजे से उठे हुए हैं और रात को सो गए थे 2 बजे, तो इसलिए। ओ भाई मिशन रानीगंज देख सकते हैं, यहाँ पे ना मूवी की दिक्कत नहीं है, किसी को पैसे देके बुक करवाओ, यहीं पे आओ अपना कलेक्शन करो मूवी का, कौन सा करना है कौन सी नहीं करनी तुमने, मूवी जो भी आपने देखनी है कार्ड डालो या कैश डालो, कैसे भी डालो हो जाएगा, कितना इजी सिस्टम है, बट हमने नहीं देखनी मूवी भाई। अभी हम आए हैं मरीना मॉल में, और यहाँ पे अभी पिज्ज़ा का और बर्गर का ऑर्डर किया था कुछ,
तो इधर ना इन्होंने ये ऐसा कुछ दिया है जैसे स्काई डाइव में मिला था ना मेरे को, खैर उसका तो ब्लॉग बनाया नहीं मैंने, तो इसमें ये वाइब्रेट होगा तब हमें लेके जाना पड़ेगा। पहले हमने की पेट पूजा और अभी आए हैं इस साइड। यहाँ पे ना इनकी ये चीज़ की बड़ी खासियत है, ये ना लगाती हैं चमकीले चमकीली सी लाइटें, पता नहीं कैसे लगाते हैं ये, बहुत देखो कैसे कर रहे हैं ना, अलग ही लुक आता है इसमें। कैसे कैसे ब्रांड है, बहुत छोटा लुइस फेराडो, कैसे कैसे हैं, ऐसे ऐसे ब्रांड है, इनके कपड़े कौन पहने यार। ओ भाई अभी हम आए थे मरीना, बस घूम रहे थे टहल के, मॉल से निकले यार, गर्मी है बस हर जगह, बस निकलते हैं अब यहाँ से भी। बहुत बढ़िया रहा यहाँ पे हर जगह, यहाँ पे साइकिल दूसरी वाली बहुत चलती है। हमें तो भाई बेड दिख गए, हम तो सो रहे हैं यहाँ पे, बेड दिख गया हमें, बाकी की वीडियो कल बनाएंगे। भाई यहाँ पे हमारे दिरहम बच गए क्योंकि 3 घंटे तक फ्री पार्किंग है, तो हमें 3 घंटे हुए अभी यहाँ पे आए हुए, तो चलो चलते हैं अब यहाँ से भी निकलते हैं। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, इस मॉल में आए थे मरीना मॉल में भाई, स्विफ्ट दुबई में स्विफ्ट यार भाई, कमाल कर दिया दुबई में स्विफ्ट। तो हम पहुंच गए हैं होटल, चलते हैं ऊपर यार जाके सोते हैं, नींद आ रही बहुत। तो ठीक है भाई घर पहुंच गए हैं, अभी उसमें एडिटिंग में बैठूंगा, एडिट करने के बाद आप ये ब्लॉग देखना कैसा लगा, लाइक करना शेयर करना, अच्छा लगा तो चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। Thank you.